जल और जंगल जमीन से तो घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ बालू की क्या किल्लत है ये देखना हो तो इस सरकार के मौजूदा पिछले 3 साल को देख ले। जितने भी जो कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे, चाहे वो गरीबों की बात हो या बड़े ठेकेदारों की बात हो, हर कोई बालू की समस्या से जूझ रहा है। पिछले दिनों की बात करें तो इसी मानसून सत्र में और इसी सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा किया कि जो नॉन टैक्स पेयर हैं, यानी ऐसा वर्ग जो टैक्स नहीं भरता है, उन्हें मुफ्त बालू आवास बनाने के लिए दिया जाएगा। आज मानसून सत्र का अंतिम दिन है और आज का नज़ारा आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ बैठे हैं, लेकिन इन तमाम विधायकों में आप तस्वीरों में एक तस्वीर देख सकते हैं, विधायक वो बेहद खास है। यहाँ बालू 1000 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। ये जो शख्स जो बालू बेच रहे हैं ये हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक शशिभूषण मेहता। दूसरे जो महिला विधायक आप वहाँ देख रहे हैं वो हैं विधायक नीरा यादव। लगातार विधायकों के द्वारा यहाँ बालू बेचा जा रहा है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कैसे कैसे बालू बिक रहा है। विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, बालू कैसे बिक रहा है? अरे महाराज 1000 रुपया बिक रहा है, 1000 रुपया क्यों खरीद रहे हैं बालू 1000 रुपया? सरकार को देंगे, सरकार ने लूट लिया पूरा पूरा बालू जो है लूट करके बर्बाद कर दिया। 1000 रुपया सीधे सीधे हेमंत सोरेन जी के पॉकेट में जाएगा। चले बहुत बढ़िया, दुर्लभ दुर्लभ आज कहीं झारखंड में बालू नहीं मिल रहा है। 5 साल में एक भी बालू घाट की नीलामी आपने नहीं करी है, पूरे झारखंड प्रदेश में तरहिमाम है, और आखिरी समय में फिर एक झूठ लेकर के आए हैं आपको बताने के लिए। जो बालू सुलभ थी आज पूरे देश में बालू दुर्लभ हो गई है, झारखंड में दुर्लभ हो गई है। एक भी बालू गरीब को नहीं मिल रहा है, कोई घर बनाने के लिए भी बालू नहीं लिया रहा है। मुफ्त बालू का घोषणा हुआ है, कहाँ मुफ्त, झूठ है। एनजीटी का टाइम लगा हुआ है। जब हम लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो पहले ही कैबिनेट में झारखंड की जनता को मुफ्त कर देगी बालू, तो उन्होंने इसके ध्यान में आते ही अभी फिर एक झूठ बोला है, यही हम बताना चाहते हैं। ये थे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, और यहाँ पर एक झारखंड विधायक, यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं। बालू कैसे बिक रहा है विधायक जी? आज करवट है, कोयल नदी का बालू है 1000 रुपये किलो। मुख्यमंत्री जी फ्री में बालू दे रहे हैं? अरे फ्री में बालू उनका बरहेट में मिलता होगा, ये पलामू में और झारखंड में तो नहीं मिल रहा है। उधर हो सकता है कि वो मिलता होगा, बांग्लादेश में मिलता होगा। झारखंड में बालू सोना हो गया है? सोना, सोना से महंगा बालू आज का, सोना से महंगा बालू 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो। चलो जी खरीदो, खरीद लो, आओ बालू। और भी दूसरे यहाँ पर विधायक हैं हमारे साथ, यहाँ पर हटिया विधायक, 100 रुपये किलो है बालू बिक रहा है। देखिए कोयल नदी का बालू 1000 रुपये किलो है, सोनरेखा नदी का यहाँ पर लोकल बालू 100 रुपये किलो है, ये प्लस ये वाला 1000 का है भैया, इसलिए कि इसमें बहुत दूर से ट्रांसपोर्टिंग करके लाया गया है, कोयल नदी का बालू है। और ये सरकार सोना से महंगा बेच रही है बालू, हम लोग उसे सस्ता बेच रहे हैं। सोना 35 लाख रुपया 30 लाख रुपया किलो है, यहाँ हम लोग हजारे में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बालू से तेल निकाल रही है, जनता का सभी काम ठप है, प्रधानमंत्री आवाज भी लोग नहीं बना पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपने सुना, ये विधायक थे और इनका ये कहना है कि झारखंड में जो बालू है वो सोना हो गया है। यहाँ पर मुख्य सचेतक बिरंची नारायण जी, कैसे बालू बिक रहा सर? 100 रुपये किलो बेच रहे डिस्काउंट में। मुख्यमंत्री जी मुफ्त में बालू दे रहे हैं? सही दे रहे हैं, जैसे 25 लाख नौकरी दे दिया वैसे ही दे रहे हैं, जैसे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया वैसे ही गरीबों को भी ठगने का काम कर रहे हैं। बालू झारखंड में ही नहीं है, सारा बालू बम्बई पहुंच गया, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली पहुंच गया, बालू आएगा कहां से? आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, ये नज़ारा आप देखिए, बालू बोरे में लेकर के आए हैं। इनका ये कहना है कि झारखंड में बालू जो है वो सोना से कम नहीं हो गया है। एक अनोखे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक आज पोटिगो में खड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री के द्वारा जो पिछले दिनों ये कहा गया था कि गरीबों को मुफ्त में बालू दिया जाएगा, उसे झूठा ठहराते हुए 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये किलो यहाँ बालू बेचा जा रहा है। TV9 भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।